हेलो स्टूडेंट, वी आर सेविंग योर और हमारी जो पोयम है वो है द लुकिंग ग्लास। द लुकिंग ग्लास दिस पोयम इज आल्सो कंपोज्ड बाय द कमलादास। वी हैव स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द पोएट्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस। You remember, he also had a lot of affairs. She also had a lot of affairs. She is very French poet. We had an introduction to the poetess in the last class. I told you about the life of the poetess. कमलादास वाज वेरी फ्रेंड पोइट। इन दिस पोयम द पोइटेस हैज टोल्ड द माइंड ऑफ द वूमेन विद एन ओपन माइंड। यू रीड दिस पोयम विद एन ओपन माइंड। एवरीथिंग गोज इन लिटरेचर क्लास। इन दिस पोयम द पोइटेस आयरोनिकल थीम ऑन द वूमेन हर्ट हर। You know, Kamaladas, she was left alone in the last days of her life. Her husband also left them. Although she was a great poetess, but her personal life was full of sorrow. Her love life was not success. At last, she left alone in her life last time. So we discuss about the summary of the poem The Looking Glass. In the poem The Looking Glass, The Looking Glass by Kamaladas. She was a very frank poet. She writes openly, woman in her emotions. The poet talks about the problem. The poet talks about the problems that a woman the patriarchal
पैट्रियार्कल क्या होता है, पितृसत्तात्मक सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी पितृसत्तात्मक समाज प्रेजेंट में, हमारा जो समाज है वो कैसा है, पितृसत्तात्मक मतलब अदर वर्ड्स वी कैन से पुरुष प्रधान समाज है, इस पे ही जो कोई भी है इस पे ही व्यंगात्मक बातें लिख रही है, जो कि पुरुष प्रधान समाज है उसी के ऊपर, हैज मेड द वुमेन डिपेंडेंट, हैज मेड द वुमेन डिपेंडेंट ऑन मैन विच अल्टीमेटली लीड्स टू हर मिजरी यानी दया, मिजरी इट इज ए कन्फेशनल, इट इज ए कन्फेशनल कन्फेशनल यानी होता है कबूलनामा स्वीकारोक्ति, जो कि पॉलिटिक्स है उनकी जो स्वयं की लाइफ है ये ज़्यादातर उसी के ऊपर बता रही है, जो कोई पॉलिटिक्स है कमला दास वो अपनी लास्ट टाइम में बिल्कुल अकेली रह गई थी, जो सी बात कन्फेशनल पोयम ये कबूलनामा वाली कविता है, स्टैंजा फर्स्ट इन द पोयम द लुकिंग ग्लास बाय कमला दास द पोएट टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम, किसके बारे में बात करती है कोई भी, अबाउट द प्रॉब्लम समस्या दैट वुमेन मींस वुमेन औरत होने के कारण जो औरत सामना करती है, इसकी जो इन हिंदी हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स दैट वुमेन औरत जो औरत होने के कारण जो औरत समस्याओं का सामना करती है उसके ऊपर ये पोयम है, द पैट्रियार्कल सोसाइटी पुरुष प्रधान समाज है मेड द वुमेन डिपेंडेंट ऑन मैन, पुरुष प्रधान समाज में क्या कर रखा है, जो औरत है उनको पुरुषों पर निर्भर कर रखा है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू हर मिजरी जो कि पूरी तरह उनकी दया का कारण है, क्योंकि जो पुरुष है उन्होंने ही महिलाओं को पुरुष प्रधान समाज होने के कारण जो वो उन पर निर्भर है ये सब उसी की दया का मतलब ये यानी इट इज ए कन्फेशनल पोयम ये कबूलनामा वाली कविता है। ये एक कबूलनामा वाली कविता है। यू कैन रीड देयर एंटायर लाइफ स्पेन ऑफ द पोएट्स ऑन द नेट। You can read their entire life of Kamala Das on the net. तुम इस कमला दास की पूरी जो ऑटोबायोग्राफी है वो नेट पर भी देख सकते हो, जिससे ये पोयम आपको और भी अच्छी समझ में आएगी।
say that it is quite heavy for a woman. The poet says that poet is the poet says that the poet says that it is quite easy. It is quite easy. The poet says that it is quite easy for a woman. For a woman. It is quite easy for a woman to get the love of a man. To get the love of a man. To get the love of a man. A woman just needs to be honest. A woman just needs to be honest. A woman just needs to be honest about her womanly needs. About her womanly needs. About her womanly needs. She should stand there before the mirror. She should stand naked before the mirror with the man. The poet says that it is quite easy for a woman to get the love of a man. A woman just needs to be honest about the womanly needs. She should stand here before the mirror with the man. This will make the man feel stronger. Man feel stronger while on the other hand the woman will be softer. Woman will be softer. Woman will be softer, younger and lovelier. Softer,
younger and lovelier a woman that needs to be honest about her womanliness. She should stand before the mirror with the man. This will make the man feel stronger. This will make the man feel stronger. While on the other hand, woman will be softer, younger, and lovelier. The lines are quite ironical. The lines are quite ironical. The lines are quite ironical. Ironical यानी व्यंगात्मक है. Because the poet is not praising the quality, because the poet is not praising the quality of quality of a woman, but exposing their reality. The soft, young and lovely body of the woman. The lovely body of the woman is what makes the man believe. That he is strong. The soft
young and the lovely body of the woman is what makes the man believe. Is what makes the man believe that he is strong. That he is strong. Again, the poet continues the easy way to make a man love her. Woman is what makes the lines are quite ironical. मतलब जो ये लाइन है पूरी तरह कैसी है व्यंग्यात्मक है. बिकॉज द पोइट इज नॉट प्रेजिंग द क्वालिटी ऑफ ए वूमेन. प्रशंसा नहीं कर रही है कोई औरत की क्वालिटी की. बट एक्सपोजिंग हकीकत से परिचय करा रही है. जो पुरुष प्रधान समाज है उसकी पोइटिक हकीकत से परिचय करा रही है. नॉट द प्रेजिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ वूमेन बट द रियलिटी. बट द फेस टू फेस रियलिटी और यूनिटी जो बता रही है समाज की. जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें महिलाओं के लिए क्या घटना है उसके बारे में पोइट्री बता रही है. Again the poet is continue the easy way stanza 2 है ये poem का. We are discuss about the summary of the poem. I remember you. Again the poet continue the easy way to make a man love. Easy way to make a man love her. A woman needs to accept. A woman needs to accept the man's admiration. The man's admiration. Admiration. The man's admiration and praise for her body and praise for her. Again the poet continues the easy way to make a man love her. A woman needs to accept the man's admiration, prashansa and praise for her body. Okay students, इससे आगे next